मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर लूसी को देखते हैं। लूसी अपने दो फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में बैठी थी। उसकी फ्रेंड का नाम नादिन और अमेंडा था, उसी के साथ रहती थी। यहाँ लूसी उन दोनों को अपने ब्रेकअप्स की स्टोरी सुनाती है। लूसी का एक शौक था कि जिस भी बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप होता है तो उसकी चीज एज अ मेमोरी अपने पास हो रखती है। ये बातें उन्हें वो बता रही थी और फिर हम देखते हैं कि लूसी के पास बहुत सारी चीजें थी, यानी कि उससे बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में थी। वहां पर हमें पता चलता है कि लूसी एक आर्ट गैलरी की आर्टिस्ट है। वहां वो एक लेडी एवा का नाम लेती है जो बहुत ही रिच थी। एवा ही लूसी के काम को आगे बढ़ा सकती थी। लूसी उसी की कंपनी में काम करती थी। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड मैक्स भी उसके साथ काम करता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 12 घंटे के बाद दिखता है। यहाँ लूसी सड़क से जा रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और ड्रंक भी थी। उसे एक कार दिखी, उसे लगता है कि वो एक टैक्सी है और बिना सोचे समझे वो उसमें बैठ जाती है। उसमें बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि एक प्राइवेट व्हीकल है। लूसी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी तो उसे कहती है कि मेरा प्राइवेट ड्राइवर बनकर इस कैब को स्टार्ट कर दो। वो आदमी उसे बहुत समझाता है पर अपनी नशे की हालत में वो कुछ भी समझती नहीं। यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है निक। वो फिर उसके साथ हुआ क्या था ये निक को बताने लग जाती है। पास में हम देखते हैं कि लूसी का प्लान था कि वो आर्ट गैलरी ओपन करेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ रहना चाहती थी। मैक्स उसे उसके काम में पूरी मदद करेगा। रात में फिर एक पार्टी हुई और अपने ऑफिस की तरफ से वो एक स्पीच देती है। स्पीच में वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी पर तभी वो मैक्स को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है। ये देखकर वो जरा डिस्टर्ब हो गई और उल्टी सीधी बात करने लग गई। बात करते करते वो वहां पर गिर भी जाती है। इसके बाद मैक्स उसके पास आता है, उसे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। वो कहता है कि उस लड़की का नाम अमेलिया है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो अब वापस आ चुकी है। ये सुनकर लूसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उनका यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि मैक्स अभी भी अमेलिया से प्यार करता था। मैक्स उसे कहता है कि एवा ने तुम्हें काम से निकाल दिया है, एवा नहीं चाहती कि तुम फिर से उसके लिए काम करो। ये सब सुनने के बाद लूसी वहां से निकल जाती है। इसके बाद उसका घर आ गया। लूसी ने कैब ऑर्डर की थी और उसे अपने कैब ड्राइवर एडोल्फ का कॉल आता है। उसे भी रियलाइज होता है कि वो एक स्ट्रेंजर के कार में है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गए। निक उसे कहता है कि तुम जब चाहे जा सकती हो, कार वैसे भी अनलॉक है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो घर आई और वहां पर उसके रूममेट्स उसे सहारा देते हैं। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड उसके साथ निक की टाई देखती है। लूसी एज अ मेमोरी उस टाई को रख रही थी जैसा वो हमेशा करती है। अमेंडा ने उसे इन चीजों को फेंकने के लिए कहा पर वो ऐसा नहीं करने वाली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में उस सामान को एंटिक शॉप में लेकर जा रही थी ताकि उसे सेल कर सके पर वो उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो अपना सामान उठाकर चली जाती है। जाते हुए एक रेस्टोरेंट में मैक्स और अमेलिया को देखती है। उसे उससे बात करनी थी इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाने लग गए पर वहाँ की मैनेजर उसे अंदर जाने से रोक लेती है। उसके हाथों में एक थ्रैश बैग था और थ्रैश बैग लेकर वो रेस्टोरेंट में किसी को भी अलाउ नहीं करते थे। ये सब जब चल रहा था तो मैक्स भी उसे देखता है पर उसे इग्नोर कर देता है। वहीं पर पास में निक बैठा था, वो निक को भी हाई करती है। उसे देखकर वो बाहर आ जाता है। वो निक को फाइनली अपना नाम बताती है। वहां पर एक लेडी उन्हें देखती है और उसे लगता है कि निक लूसी को परेशान कर रहा है इसलिए उसके पीछे पड़ गए। उसे हिट करती है पर इसके बाद निक और लूसी साथ में जाने लगते हैं। निक फिर उसे एक शेड में लेकर आता है, वो एक बहुत बड़ा शेड था। यहाँ निक उसे कहता है कि तुम पागल हो। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। निक कहता है कि तुम खुद ही देखो, तुमने अपने एक्स के सामान को कलेक्ट किया है, ऐसा कौन करता है। वो कहती कि मैंने ये सब एज अ प्यार की निशानी कलेक्ट किया है। यहाँ निक उसके हाथ से मैक्स की टाई लेता है और उसे अपने वॉल पर लगा देता है। उसे कहता है कि इस टाई को तुम कभी भी देख सकती हो। लूसी को यह सब बहुत पसंद आया। उसे एक मार्कर मांगती है। इस मार्कर से उसने मैक्स के साथ जो पल बिताए थे इसके बारे में कुछ लिखती है। इसके बाद वो इस वॉल को नाम देती है ब्रोकन हार्ट्स गैलरी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूसी अपने घर पर थी। मैक्स आकर लूसी को अपने साथ लेकर जाता है, उसे और एक चीज दिखाता है, कोई अपनी प्यार की निशानी वहां पर छोड़ कर गया था। ये देखकर लूसी बहुत खुश थी। लूसी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक आर्ट गैलरी ओपन करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकन लोग अपनी मेमोरीज छोड़ने के लिए आ सकते हैं, बाकी लोग इसे देखने के लिए आएंगे। वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे यहाँ एक होटल खोलना था। इसके बाद वहां पर उसका फ्रेंड मार्कस आता है जो लूसी से एग्री कर रहा था। लूसी उसे जिद कर रही थी तो निक को उसके बाद माननी पड़ती है। वो फिर इस वॉल का एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है जो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लूसी को बहुत अच्छा लगा। वो निक के शेड में जाती है और वहां पर वो निक और मार्कस को कॉफी देती है। वहां पर तभी एक लेडी आई, वो अपनी बॉयफ्रेंड की निशानी लेकर आई थी, उसे उस गैलरी में रखना चाहती थी। लूसी ने उसका इंटरव्यू लिया। वो फिर उस मेमोरी को अपने पास रख लेती है और कहती है कि जब तुम चाहो तभी देखने के लिए आ सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और निक का बॉन्ड अब गहरा होता जा रहा था। वो साथ में बहुत सारी अलग अलग जगह पर घूमते थे, शॉपिंग करते थे।
एक दिन उन्हें कबाड़ में एक सोफा मिलता है जो अपने साथ वो लेकर गए। ले जाते जाते वो थक जाते हैं और वहीं पर बैठ गए। लूसी उसे उसके बारे में पूछती है। उसे कहता है कि पास में मेरी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ग्रैंड मदर की फिर डेथ हो गई, उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ गई थी। उन पैसों से वो ग्रैंड मदर के नाम का होटल बनाना चाहता था, पर फिर भी उसके पास थोड़े से पैसे कम थे। इसके बाद हम उन दोनों को बुक शॉप पर देखते हैं। वहां पर लूसी मैक्स को देखती है। मैक्स अपनी एयरपोर्ट की केस शॉप में ही भूल गया था, जिसे वो रिटर्न करने के लिए खुद जाती है। यहाँ हम मैक्स को अमेलिया के साथ देखते हैं और उसके साथ वो बहुत ही खुश था। लूसी को देखकर मैक्स कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। मैक्स उसे अमेलिया से मिलवाता है। ऐसा लग रहा था कि लूसी को पूरी तरीके से भूल गया था। वहां पर निक भी आया। यहाँ निक मैक्स से मिलता है और ऐसा बताता है कि लूसी ने एक नई आर्ट गैलरी ओपन की है, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। लूसी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी और मैक्स उसे भूल गया था। इसके बाद वो दोनों अपने शेड में जाते हैं। यहाँ पर निक ने डेकोरेशन किया था और ये देखकर लूसी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कुछ टाइम आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उनकी गैलरी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई थी। उनके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे थे। अपनी मेमोरीज रखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आते थे। इसके बाद एक दिन अमेंडा का बर्थडे आता है, सब लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर लोगों ने गाने भी गाए। लूसी और निक बात कर रहे थे। लूसी उसे खुशखबरी देते हुए बताती है कि हमारी गैलरी मैगजीन में छपी है। इस उनको और दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद उन दोनों की गाने की बारी आती है। निक इस बात के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे गाना आता नहीं था, पर लूसी उस पर जोर डालती है तो उसे मना नहीं कर पाता। वो दोनों फिर गाना गाते हैं। इसके बाद निक जाकर मार्कस के पास बैठता है। मार्कस उसे कहता है कि आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। जब भी वो लूसी के साथ रहता है तो हमेशा बहुत खुश होता है। वो लूसी से प्यार करने लग गया था। निक उसे ये सब बातें करने से चुप करता है। इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड्स के घर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में मैक्स मिला। मैक्स उसे बात करना चाहता था। लूसी ने अपने फ्रेंड्स को घर भेज दिया और उससे वो बात करने लग गए। मैक्स उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो फिर से उसके साथ पैचअप करना चाहता था। हम जानते हैं कि लूसी के फेमस होने के बाद उससे मिलने के लिए आया। वो यहाँ भी अपने ही बारे में सोच रहा था। वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहां पर निक आता है। वो उसके लिए केक लाया था। उन दोनों को साथ में देखकर वो वहां से चला जाता है। वो दोनों फिर एक जगह पर बैठे। वहां मैक्स उसे उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद उसे वही टाई देता है और कहता है कि उस वॉल से निकाल कर मैंने लाई है, हमारा रिलेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर उन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो निक के पास जाती है। वो बहुत ही उदास था। उससे कहता है कि हमें आर्ट गैलरी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बैंक से लोन नहीं मिल रहा। लूसी ऐसा नहीं करना चाहती थी पर उसे करना पड़ता है। वो उदास थी और फिर भी उसे लग रहा था कि इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। मैक्स से बात देखकर उसकी मदद करता है और उसे एवा से मिलवाता है। एवा उसके काम से बहुत ही इम्प्रेस थी और इसी वजह से उसे एक एग्जीबिशन के लिए रेडी करती है। रात में वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई। उनसे वो ब्रेकअप की टिप्स मांग रही थी क्योंकि अब वो मैक्स के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट डे वो मैक्स के पास गए। उसे पूछती है कि अमेलिया और तुम्हारे बीच में हुआ क्या था। मैक्स कहता है कि तुम्हें जानना क्यों चाहती हो। वो कहती है कि मुझे सिर्फ जानना है। मैक्स कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। अमेलिया इस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थी, उसने उसे मना कर दिया था। इसी वजह से उन दोनों में ब्रेकअप हो गया था। अमेलिया फिर उसे छोड़कर पेरिस चली गई थी। लूसी उसे कहती है कि अब हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। फिर वहां से वो चली जाती है। इसके बाद लूसी को हम उसके रूम में देखते हैं। उसके पास निक आता है और उसे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मुझे अब लोन मिल चुका है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। वो उसे कहती है कि मुझे भी एवा के एग्जीबिशन में हमारी आर्ट गैलरी को लगाने का मौका मिल गया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। वो कहती कि आज तक मेरे लिए कोई भी इतना खुश नहीं हुआ था। इसके बाद वो दोनों मिलकर होटल की हालत ठीक करते हैं। इसके बाद वो साथ में बैठे। वो निक से पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो। निक उसे कहता है कि हाँ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। इसके बाद अगले दिन लूसी उसे अपनी मदर से मिलवाने के लिए लेकर गई। उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक पियानो बजाता है जिस पर लूसी और उसकी मदर डांस करते हैं। रात में दोनों साथ में थे। निक उसे एक जगह दिखाने के लिए गया जहाँ पर उसका एक छोटा सा प्राइवेट बार था। वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह लूसी निक से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्ती है। निक कहता है कि हम दोस्त से बढ़कर है। इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ थी। उसे निक का कॉल आता है। निक उसे सरप्राइज देना चाहता था। वो फिर निक ने उसे जो जगह बताई थी वहां पर उसका वेट करती है। वो जब वेट कर रही थी तो होटल के अंदर से निक एक लड़की के साथ बाहर आता है। उस लड़की का नाम क्लोए था। निक के होटल का नाम भी क्लोए ही होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि निक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर ही होटल रखा था। ये देखकर वो गुस्से में वहां से जाने लग गई। निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती।
थोड़े टाइम बाद निक उसे मिलने के लिए घर पर आता है, वहां भी नहीं थी। उसके फ्रेंड से उसके बारे में पूछ कर उसे मिलता है। वो लूसी से कहता है कि वो मेरी एक्स थी, मुझे ऑर्डिनल का नाम चेंज करना था पर पैसे ना होने की वजह से वो मैं कर नहीं पाया। लूसी उसे कहती कि ये बात ठीक है। वो अब भी उसे नाराज थी तो निक वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसी को हम काम करता हुआ देखते हैं। वहां पर उसके पास एवा आती है। वो उसे कहती कि मैं इतनी सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बनी, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसके मेरी लाइफ से जाने के बाद मैंने उसकी रिंग को सेल कर दिया, इससे उसे बहुत सारे पैसे मिले थे और इसी से आर्ट गैलरी उसने ओपन की थी और ये आर्ट गैलरी बहुत सक्सेसफुल हो गई। अगर मैं मेरे हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती और सैड हो जाती तो इतना सक्सेसफुल कभी भी हो नहीं सकती। ये सुनकर लूसी को अच्छा फील होता है। इसके बाद लूसी अपने रूम में जाकर अपने एक्स की दिए हुए सारे सामान को बाहर फेंक देती है और रिलैक्स फील करती है। इसके बाद हम निक को देखते हैं। निक मार्कस से कहता है कि शायद मेरी तबीयत खराब है। मार्कस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ दिल टूटा है। निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्कस ने फिर उसे सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि लूसी ने ही तुम्हारा लोन पास करवाया था, ये सब उसने एवा से मिलकर किया था। ये जानकर निक को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फिर लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लूसी अपने आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन कर रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। ये गैलरी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। वो यहाँ पर एक स्पीच देती है और कहती है कि दिल तो सबका टूटता है पर किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। दिल टूटने के बाद लोग काफी कुछ चीजें सीखते हैं। अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो गैलरी कभी भी ओपन नहीं हो पाती। लूसी कहती कि मेरा दिल फर्स्ट टाइम तब टूटा था जब मेरी मदर ने हमारी यादें खो दी थी। इस वजह से उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि इस यादों में कुछ ऐसे मोमेंट थे जिसे वो कभी भी भूलना नहीं चाहती थी। ये मोमेंट जाने के बाद भी उसने मूव ऑन किया था। इसी स्पीच के बीच में वहां पर निक आता है। लूसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। निक उसे कहता है कि जो मैप तुमने फर्स्ट डे देखा था वो किसी और ने नहीं तो मैंने ही लगाया था। उसे क्लोई के बारे में बताता है, कहता है कि क्लोई से वो बहुत प्यार करता था। वो एक होटल में ही मिले थे, वो रिलेशनशिप में आ गए और इसके बाद क्लोई ने उस पर चीट किया था। वो कहता है कि उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगा, पर प्यार से मैं बच नहीं पाया। मैं तुमसे मिला और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया। लूसी उसे कुछ भी आंसर नहीं दे रही थी, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी थे। ये देखकर लूसी समझ जाती है कि निक एक्चुअल में उससे बहुत प्यार करता है और वो भी अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करती है। उन दोनों ने फिर किस किया। उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश थे और इसी एक हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट शुरू कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।